टाटा और रिलायंस ग्रुप के बीच कारोबारी मैदान में एक बार फिर आमने सामने की टक्कर होने वाली है। इस बार ई कॉमर्स मार्केट इन दोनों दिग्गज ग्रुप्स के बीच मुकाबले की वजह बनने वाला है। रिलायंस के जियो मार्ट के जवाब में टाटा ग्रुप ने ऑनलाइन किराना वेंचर बिग बास्केट में करीब 9,500 करोड़ रुपए में 68% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। टाटा की ये हिस्सेदारी बिग बास्केट को 13,500 करोड़ रुपए की कंपनी में तब्दील कर देगी। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत है। टाटा ग्रुप की योजना ऑनलाइन कारोबार के लिए एक सुपर ऐप लॉन्च करने की है, जिसमें बिग बास्केट के घरेलू सामान और ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज को जोड़ा जाएगा। इससे टाटा को एक बड़ा यूजर बेस मिलेगा। इस सुपर ऐप में निवेश के लिए वॉलमार्ट से भी टाटा ग्रुप की चर्चा हुई है। टाटा ग्रुप वॉलमार्ट से सुपर ऐप में $25 अरब निवेश लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। टाटा की रणनीति भारत के ई कॉमर्स बाजार में खुद को मजबूत करने की है। सुपर ऐप के जरिए टाटा ग्रुप फाइनेंशियल, ग्रोसरी समेत दूसरी कंज्यूमर फ्रेंडली सर्विसेज मुहैया कराएगा। इससे रिलायंस और अमेजन समेत दूसरी दिग्गज ई कंपनियों को टक्कर मिलेगी। रिलायंस ई कॉमर्स में अभी तक केवल अमेजन को ही चुनौती मान रहा था। उससे भी तैयारी के लिए जो दाव कंपनी ने चले थे वो भी उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पहले तो बिग बाजार के लिए फ्यूचर ग्रुप के साथ सौदा अमेजन की आपत्ति से अटका हुआ है। अब रिटेल के लिए जिस व्हाट्सएप पर कंपनी एतबार कर रही थी उसकी लोकप्रियता भी लगातार कम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद तो व्हाट्सएप की मुश्किलें बढ़ना तय है। सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशरी है उसने भी इस पर कॉग्निजेंस लिया है और इस पर काफ़ी कुछ वर्क चल रहा है एंड दे फील कि इसके अंदर जो है रेगुलेशंस किया जाएगा और स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे ताकि जो लोगों के पर्सनल डेटा हैं वो उसका वायलेशन ना हो सके और ये जो पर्सनल डेटा जो है यहाँ वहाँ जो है सर्कुलेट ना हो। जाहिर है कि अगर व्हाट्सएप कमजोर हुआ तो फिर टाटा का सुपर ऐप इसकी भरपाई कर सकता है। वैसे भी बिग बास्केट को खरीदकर टाटा ग्रुप ने जोरदार शुरुआत की है। बिग बास्केट भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी बेचने वाले प्लेटफॉर्म्स में से एक है। इस प्लेटफॉर्म पर 1000 कंपनियों के करीब 40,000 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बिग बास्केट ऐप को 60 लाख ग्राहक इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के करीब 26 शहरों में कंपनी का कारोबार फैला हुआ है। बिग बास्केट पर रोजाना 1.5 लाख ऑर्डर आते हैं। वहीं 34 करोड़ एक्टिव यूजर्स के साथ व्हाट्सएप जियो मार्ट की सफलता की गारंटी दे रहा था, लेकिन अब भारत में उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी ने कंपनी को मुश्किल में डाल दिया है। कंपनी ने खुद ये कबूल किया है कि यूरोप के कानून उसे यूजर्स का डेटा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते हैं, जबकि भारत के कानून के तहत कंपनी भारतीयों के डेटा को इस्तेमाल करना अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर रही है। अभी हमारे देश में इंडिया में प्रॉपर तरीके से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए लॉज अभी नहीं है। हालांकि ये पेंडिंग है पार्लियामेंट में और जैसा मानना है जानकारों का कि इसमें बहुत जल्दी जो है इस पे कानून बनेगा और कानून बनने के बाद जो व्हाट्सएप जैसी कंपनीज हैं उनको इसमें जो है इनके प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा और तब जो है वो एक तरह से व्हाट्सएप जैसी कंपनीज रेगुलेट हो पाएंगी जो है इंडियन लॉज के द्वारा। हालिया सर्वे के मुताबिक 80% लोग व्हाट्सएप से टेलीग्राम और सिग्नल पर स्विच कर रहे हैं। अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर जियो मार्ट के लिए टाटा ग्रुप से मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है।